सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मुफ्त सिलेंडर के लिए ई केवाईसी, फडणवीस ने माना मोदी का आभार। 7500 मासिक पेंशन पर केंद्र करेगा विचार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुफ्त सिलेंडर के लिए ई केवाईसी, राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के गरीब परिवारों को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अपनी संबंधित गैस एजेंसियों पर जाकर ई-केवाईसी कराना होगा। साथ ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देश पर लाभार्थियों के बैंक खाते को आधार के साथ संलग्न करना होगा। गरीब परिवारों की महिलाओं को धुआं मुक्त वातावरण में खाना पकाने और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में एलपीजी गैस का उपयोग सबसे सुरक्षित है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। फडणवीस ने माना मोदी का आभार। राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुणे के पास नासिक फाटा से खेड़ तक बनने वाले 8 लेन के एलिवेटेड नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। 7,827 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर से न केवल आवागमन आसान होगा बल्कि क्षेत्र के औद्योगिक विकास में भी मदद मिलेगी। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। 7500 मासिक पेंशन पर केंद्र करेगा विचार। पेंशन धारकों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। ईपीएस 95 योजना के करीब 78 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। पेंशन भोगियों के निकाय ने कहा कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान श्रम मंत्री ने भरोसा दिया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। यह बैठक बुधवार को दिल्ली में ईपीएस 95 एनएससी के सदस्यों द्वारा आयोजित प्रदर्शन के बाद हुई। देश के विभिन्न स्थानों से आए सदस्यों ने यहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केवल 1450 रुपए की औसत मासिक पेंशन के बजाय अधिक पेंशन दिए जाने की मांग की। लगभग 36 लाख पेंशन धारकों को प्रति माह 1000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।